तदः सप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्व प्रपद्यते। चाणक्य कहते हैं, मैं लोगों की भलाई की इच्छा से उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ जिन्हें जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात और कुछ जानना उसके लिए शेष नहीं रह जाता। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणे च दुखितैं संप्रयोगेन पंडितोप्यविष्यदिति। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख शिष्यों को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। दुष्टा भार्या षठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायक ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली दुराचारिणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान है। आपदर्ते धनम रक्षेद दारान रक्षेद धने रपि आत्मानम सततम रक्षेद दारे रपि धने रपि। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। आपदर्ते धनम रक्षेच्छी मताम कुता आपदः कदाचित चलिता लक्ष्मीः सच्चितोपि विनश्यति। चाणक्य कहते हैं, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम, और फिर लक्ष्मी तो चंचल है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवः न च विद्यागमः कश्चित देशम परिवर्जयेत। चाणक्य कहते हैं, जिस देश में आदर सम्मान नहीं और न ही आजीविका का कोई साधन, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विज्ञा और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ देना ही चाहिए, ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। जानियात प्रेषण भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम चापत्ति कालेषु भार्या च विभवक्षय। काम लेने पर नौकरों चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में या श्मशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। स्त्रीनाम द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासाम चतुर्गुणा साहसम षटगुणम चैव कामेष्ट गुण उच्यते। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन दोगुना होता है, बुद्धि चौगुनी, साहस छह गुना और कामवासना आठ गुना होती है।